दोस्तों जैसा कि आप सभी जानते हैं कि अभी कुछ दिनों पहले ही प्रीति जिंटा माँ बनी है। जी हाँ, आपने सही सुना, शादी के इतने समय बाद प्रीति जिंटा के घर में बच्चों की किलकारियाँ गूंज गई हैं, जिनकी इस खुशी के मौके पर बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्रियाँ इन्हें बधाई दे रही हैं। लेकिन दोस्तों, क्या आपको पता है कि बॉलीवुड में ऐसी भी कई अभिनेत्रियाँ हैं जो प्रीति जिंटा को बधाई देने की बजाय उनकी प्रेगनेंसी पर सवाल उठा रही हैं, जिसके बारे में आपको शायद ही पता हो। तो इसीलिए आज की हमारी इस वीडियो में हम आपको उन्हीं अभिनेत्रियों से रूबरू कराने वाले हैं जिन्होंने प्रीति जिंटा की प्रेगनेंसी पर सवाल उठाए हैं। अगर आप उनके बारे में जानना चाहते हैं तो हमारे साथ इस वीडियो के अंत तक बने रहें। तो चलिए जानते हैं उन अभिनेत्रियों के बारे में। नंबर एक पर है जूही चावला। बॉलीवुड की मशहूर अभिनेत्री जूही चावला ने प्रीति जिंटा की प्रेगनेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रीति खुद भी तो बच्चों को जन्म दे सकती थी, तो फिर ये सैरोगेसी का ड्रामा करने की क्या जरूरत थी, ये सब बस अपनी अमीरी दिखा रही हैं कि ये पैसे से कुछ भी खरीद सकती हैं। नंबर दो पर है करीना कपूर। बॉलीवुड की बेबो यानी करीना कपूर ने भी प्रीति जिंटा को बधाई देने के बजाय उनकी प्रेगनेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रीति खुद भी माँ बनने के लायक है, पर शायद वो अपना फिगर खराब नहीं करना चाहती, इसीलिए तो उन्होंने सैरोगेसी का सहारा लिया है, पर इतना भी क्या ड्रामा करना। नंबर तीन पर है शिल्पा शेट्टी। बॉलीवुड की जानी मानी अभिनेत्री शिल्पा शेट्टी ने प्रीति जिंटा की प्रेगनेंसी पर सवाल उठाते हुए कहा है कि प्रीति को मां बनने की अहमियत नहीं पता, उन्हें नहीं पता कि खुद की कोख से बच्चे के जन्म की अहमियत क्या होती है, तभी तो उन्होंने किराए की कोख का सहारा लिया। पर पांच पर है माधुरी दीक्षित। बॉलीवुड की धक धक गर्ल माधुरी दीक्षित ने भी प्रीति जिंटा की प्रेगनेंसी पर क्वेश्चन करते हुए कहा है कि अगर उन्हें मां बनना ही होता तो इतने सालों से नहीं बन जाती, अब सिर्फ लाइमलाइट बटोरने के लिए या सिर्फ दिखावे के लिए ये सैरोगेसी वाला नाटक रचा रही हैं। नंबर पाँच पर है रवीना टंडन। इस लिस्ट की आखिरी कड़ी में नाम आता है अभिनेत्री रवीना टंडन का, जिन्होंने प्रीति जिंटा की प्रेगनेंसी पर सवाल खड़ा करते हुए कहा है कि अगर इन्हें बच्चे को जन्म नहीं देना था तो ये किसी बच्चे को गोद भी ले सकती थी ताकि उसकी जिंदगी सवर जाए, अगर नहीं इन्हें तो पैसे उड़ाने में ज्यादा मजा आता है। तो दोस्तों, आप प्रीति जिंटा की प्रेगनेंसी को लेकर खुश हैं या नहीं, आप हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में कमेंट करके जरूर बताएं। साथ ही ऐसी ही और खबरें जानने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।